रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि उन्होंने नोटबंदी से होने वाले नुकसान के बारे में सरकार को आगाह किया था। खबरों के मुताबिक राजन ने अपनी पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म्स रिटोरिक एंड रिजॉल्व में यह बात कही है। उनके मुताबिक उन्होंने सरकार को सुझाव दिया था कि सरकार जो लक्ष्य नोटबंदी के जरिए हासिल करना चाहती है उनके लिए बेहतर विकल्प ही है। रघुराम राजन 2013 से 2016 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे थे। राजन की माने तो उन्होंने सरकार को बता दिया था कि पूरी तैयारी के बगैर नोटबंदी करने के परिणाम भारी पड़ेंगे। उन्होंने लिखा है, मुझसे सरकार ने फरवरी 2016 में नोटबंदी पर मेरा नजरिया मांगा जो मैंने मौखिक रूप से दिया था। दीर्घकालिक स्तर पर इसके फायदे हो सकते हैं, पर मैंने महसूस किया कि संभावित अल्पकालिक आर्थिक नुकसान दीर्घकालिक फायदों पर भारी पड़ेंगे। RBI के पूर्व मुखिया ने यह भी बताया कि उन्होंने सरकार को एक नोट दिया था जिसमें नोटबंदी के संभावित नुकसान और फायदे बताए गए थे। रघुराम राजन की ये बातें इसलिए अहम है कि रिजर्व बैंक ने भी चले ही महीने जानकारी दी है कि 500 रुपए और 1000 रुपए के प्रचलन से बाहर किए गए 99% नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं। अगर वे सच कह रहे हैं तो उनकी बात बहुत हद तक सही साबित हो रही है। सरकार के अपने ही आंकड़ों के मुताबिक देश की आर्थिक वृद्धि दर पिछले 3 साल के सबसे निचले स्तर पर है।